आज के इस वीडियो में हम जानेंगे घबराहट, बेचैनी, चिंता, भय, जो फियर, डिप्रेशन हम कर रहे हैं या हमें हो रहा है, इसके कारण क्या है और इसका परमानेंट आप ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं डॉक्टर लोकेंद्र डीपीएच वीएचएमएस आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले हम समझ लेते हैं घबराहट, बेचैनी होने के कारण क्या होते हैं। जब भी कोई लोग सेंसिटिव होते हैं या ऐसी सिचुएशन या ऐसी घटना को देख लेते हैं या उनके सामने ऐसी घटना हो जाती है जो वो सहन नहीं कर पाते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम उन्हें कहते हैं सेंसिटिव। जब ये सेंसिटिव पर्सन थोड़ी बहुत चीज़ों को देखने के बाद, थोड़ी बहुत परेशानियाँ उनके पास अगर आ जाती हैं, उनके ऊपर अगर हावी हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इनको घबराहट, बेचैनी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। कई बार ये जेनेटिक होता है, यानी कि माता पिताओं को अगर है, अनुवांशिक जैसे कहते हैं कि जो माता पिताओं को अगर किसी को ऐसी समस्याएं, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, घबराहट जैसी समस्या रहती है, तो ये बच्चों में भी हो सकती है। कई केसेस में ऐसे देखने को मिला है। इसके अलावा जो घबराहट, बेचैनी और चिंता का जो कारण है वो होते हैं, कई अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग कारण होते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को बिजनेस का टेंशन है, बिजनेस के वजह से उसको घबराहट, बेचैनी, टेंशन ज़्यादा, चिंता ज़्यादा होने लगती है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स लाइफ हैं, जो अपने एग्जाम को लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, वह उनको होता है, उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी जैसा रहता है थोड़ा बहुत काम करने पर, या जब वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको घबराहट टाइप की रहती है। तो घबराहट आने के, बेचैनी, चिंता होने के कई सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको ये समस्याएं आ सकती हैं। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बिजनेस में मुनाफा नहीं हो रहा है, तो मुनाफा नहीं हो रहा है तो उनका दिमाग टेंशन में रहता है, उनको घबराहट, बेचैनी रहती है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। या किसी पेशेंट को आपने देखा होगा, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको अचानक से लॉस पड़ने पर उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट अटैक तक भी आ जाता है। तो ये बीमारियां अपने ही द्वारा बनाई गई है। घबराहट, बेचैनी की जो बीमारी है ये हमारे द्वारा ही बनाई गई है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई अन्य पैथोलॉजिकल रीजन नहीं होते, होती हैं लेकिन वो कम चांसेस उनके होते हैं। इसके अलावा कुछ कारण और भी हो सकते हैं, जैसे कि थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, थायराइड की बीमारी, जैसे कि ब्रेन से, दिमाग से रिलेटेड बीमारियां, कई बीमारियां होती हैं जिनमें आपके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो चेंजेस होते हैं या कम ज़्यादा होने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी, फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन है, इस तरह के अगर जो हार्मोन्स लेवल हैं वो बढ़ते हैं या कम होते हैं, तब भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसके कई सारे रीजंस हैं, अलग अलग बिजनेस इसका कारण बन सकता है, स्टूडेंट्स लाइफ में उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके एग्ज़ाम को लेकर। कई ऐसे मरीज होते हैं जो कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी से मीटिंग हो रही है या शादी में जा रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, तो उनको वहाँ जाने से पहले एक बार फ्रेश होना पड़ता है या उनको 3-4 बार पेशाब करने जाना पड़ता है, यूरिनेशन उनको आता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये घबराहट, बेचैनी हमारे द्वारा ही बनाई गई बीमारी है। अब हम समझ लेते हैं इसके लक्षण क्या है। तो लक्षण बहुत कॉमन है, जैसे कि कोई पेशेंट शादी पार्टियों में जा रहा है और उस मरीज को जाने से पहले, ठीक आधा घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट से पहले उस मरीज को घबराहट, बेचैनी स्टार्ट हो जाएगी या फिर उसको स्टूल पास आउट जाना पड़ेगा, यानी कि फ्रेश होने जाना पड़ेगा। कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको बार बार पेशाब आने लगता है, कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको पसीना आने लगता है, कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको बेचैनी, घबराहट, उनकी हार्ट रेट बढ़ जाती है और हार्ट रेट भी ऐसी बढ़ती है, हार्ट धक 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 उनको महसूस होने लगता है। इस तरह के सिम्टम्स मरीज में देखने को मिल सकते हैं। कई बार कहीं मीटिंग में हम बैठे हैं और कोई सामने से कोई प्रश्न अगर पूछ रहा है और हमें उसका उत्तर अगर नहीं आ रहा, तब भी हमें उसका जो घबराहट, बेचैनी का सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। अगर किसी का जो न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो हार्मोन्स वगैरह है, हार्मोन्स लेवल कम डाउन होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उनको पसीना, घबराहट, बेचैनी, हाथ पैर कांपने जैसी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर 3 मेडिसिन सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है कालीफॉस। कालीफॉस 6x पोटेंसी में उपयोग किया जाता है। इसकी 4-4 गोलियां जिनको आप दिन में 4 बार ले सकते हैं, सुबह,
दोपहर शाम को एंड रात में सोने से पहले, या फिर आप अपने एक बार होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेके इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन होती है एक्कोनाइट। एक्कोनाइट 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, जो दिन में दो बार उपयोग करने से किसी भी प्रकार की एंजाइटी डिप्रेशन खत्म हो जाता है। एक्कोनाइट एक ऐसी दवाई है जो किसी भी प्रकार के एंजाइटी डिप्रेशन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इस दवाई के मिलते हैं, और कमाल की दवाई है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट्स को ये देती है। इसके अलावा तीसरी जो मेडिसिन है इग्निशिया, इग्निशिया भी बहुत ही कमाल की मेडिसिन है, जिसमें पेशेंट को एंजाइटी डिप्रेशन टाइप की, घबराहट बेचैनी टाइप की सिचुएशंस बनती है, तो इग्निशिया 30 पोटेंसी में दिन में तीन बार सुबह दोपहर एंड शाम को लेने से एंजाइटी डिप्रेशन घबराहट बेचैनी सारी समस्याएं कम हो जाती हैं, इवन ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा एक एडिशनल चौथी मेडिसिन बता रहा हूँ, जो बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है, बहुत ही कमाल की मेडिसिन है, उसका नाम है अर्जेंटम नाइटिकम। ये भी 30 पोटेंसी में उपयोग करने से पेशेंट की घबराहट बेचैनी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, और पेशेंट बहुत जल्दी स्वस्थ, और उसका जो ब्रेन है बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करने लगता है, उसका जो बॉडी है बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करने लगता है। इसके साथ में आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी कम करनी होगी, नेचुरली योगा मेडिटेशन कीजिएगा। नेचुरल जो हम रूटीन में योगा मेडिटेशन करते हैं, या अगर आप नहीं करते हैं तो उनको रूटीन में लेके आइएगा। सुबह की मॉर्निंग के जो ऑक्सीजन लेवल है उसे भी आप बढ़ाइएगा, यानी कि सुबह 6-7 बजे के आसपास आप जगें, बल्कि 5-7 बजे के बीच में आपको जग जाना है, और आप छत पर या फिर बाहर कहीं थोड़ा बहुत टहलने के लिए जाए, जिससे कि आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी अच्छा होगा। सो आज के इस वीडियो में हमने जाना एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन के इलाज के बारे में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो उनको सब्सक्राइब करें, मेडिकल से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑल जरूर करें, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।